नमस्ते बच्चों, कनेक्टेड में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम धर्म निरपेक्षता पाठ पढ़ेंगे। आज की कक्षा में हम निम्नलिखित चीजें सीखेंगे। धर्म निरपेक्षता पाठ पढ़ेंगे, पाठ पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर ढूंढेंगे। कल्पना कीजिए कि आप हिंदू या मुसलमान हैं और अमेरिका के किसी ऐसे भाग में रहते हैं जहां ईसाई कट्टरपंथी बहुत ताकतवर है। मान लीजिए कि अमेरिका का नागरिक होते हुए भी कोई आपको किराए पर मकान नहीं देना चाहता, आपको कैसा महसूस होगा? क्या आपको गुस्सा नहीं आएगा? अगर आप इस भेदभाव के खिलाफ शिकायत करें और जवाब में आपको कहा जाए कि ये देश तुम्हारा नहीं है, तुम भारत लौट जाओ, तो आपको कैसा लगेगा? क्या आपको बुरा नहीं लगेगा? आपका ये गुस्सा दो रूप ले सकता है। एक हो सकता है आप प्रतिक्रिया में ये कहें, क्या हिंदू और मुसलमानों की तादाद ज्यादा है, वहां ईसाइयों के साथ भी इसी तरह का बर्ताव होना चाहिए, ये बदला लेने वाली बात है। या फिर आप ये राय बना सकते हैं कि सबको इंसाफ मिलना चाहिए। इस सोच के आधार पर आप संघर्ष का रास्ता चुनकर इस बात के लिए आवाज उठा सकते हैं कि धर्म और आस्था के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये सोच इस मान्यता पर आधारित है कि धर्म से संबंधित किसी भी तरह का वर्चस्व खत्म होना चाहिए। यही धर्म निरपेक्षता का मूल मंत्र है। इस अध्याय में हम यही चर्चा करेंगे कि भारतीय संदर्भ में इसका क्या अर्थ है। इतिहास में हमें धर्म के आधार पर भेदभाव, बेदखली और अत्याचार के अनेक उदाहरण मिलते हैं। शायद आपने पढ़ा होगा कि हिटलर ने जर्मनी में यहूदियों पर किस तरह के अत्याचार किए। वहां कई लाख लोगों को केवल धर्म के आधार पर मार दिया गया था। लेकिन अब यहूदी धर्म को मानने वाले इसराइल में भी मुसलमान और ईसाई अल्पसंख्यकों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। सऊदी अरब में गैर मुसलमानों को मंदिर या गिरजा घर बनाने की छूट नहीं है, ना ही इन धर्मों के लोग वहां पूजा अर्चना के लिए किसी सार्वजनिक स्थल पर इकट्ठा हो सकते हैं। इन सभी उदाहरणों में एक धर्म के लोग अन्य धार्मिक समुदाय के लोगों के साथ या तो भेदभाव कर रहे हैं या उनका उत्पीड़न कर रहे हैं। भेदभाव की ऐसी घटनाएं तब और ज्यादा बढ़ जाती है जब दूसरे धर्मों के स्थान पर राज्य किसी एक धर्म को अधिकृत मान्यता प्रदान कर देता है। जाहिर है, कोई भी व्यक्ति अपने धर्म की वजह से ना तो भेदभाव का शिकार होना चाहता है और ना ही किसी दूसरे धर्म का दबदबा झेलना चाहता है। भारत में क्या राज्य धर्म के आधार पर किसी नागरिक के साथ भेदभाव कर सकता है? धर्म निरपेक्षता क्या है? पिछले अध्याय में आपने पढ़ा कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है। ये अधिकार न केवल राज्य की सत्ता से हमें बचाते हैं, बल्कि बहुमत की निरंकुशता से भी हमारी रक्षा करते हैं। भारतीय संविधान सभी को अपने धार्मिक विश्वासों और तौर तरीकों को अपनाने की पूरी छूट देता है। सबके लिए सम्मान धार्मिक स्वतंत्रता के इस विचार को ध्यान में रखते हुए भारतीय राज्य ने धर्म और राज्य की शक्ति को एक दूसरे से अलग रखने की रणनीति अपनाई है। धर्म को राज्य से अलग रखने की इसी अवधारणा को धर्म निरपेक्षता कहा जाता है। धर्म को राज्य से अलग रखना महत्वपूर्ण क्यों है? जैसा कि पिछली चर्चा की गई है, धर्म निरपेक्षता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है धर्म को राज्य सत्ता से अलग करना। एक लोकतांत्रिक देश में ये बहुत जरूरी है। दुनिया के तकरीबन सारे देशों में एक से ज्यादा धर्मों के लोग साथ साथ रहते हैं। जाहिर है, हर देश में किसी एक धर्म के लोगों की संख्या ज्यादा होगी। अब अगर बहुमत वाले धर्म के लोग राज्य सत्ता में पहुंच जाते हैं
तो उनका समूह दूसरे धर्मों के खिलाफ भेदभाव करने और उन्हें परेशान करने के लिए इस सत्ता और राज्य के आर्थिक संसाधनों का इस्तेमाल कर सकता है। बहुमत की इस निरंकुशता के चलते धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव हो सकता है, उनके साथ जोर जबरदस्ती हो सकती है, यहाँ तक कि कई बार उनकी हत्या भी कर दी जाती है। बहुमत चाहे तो अल्पसंख्यकों को उनके धर्म के अनुसार जीने से रोक सकता है। धर्म के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव उन अधिकारों का उल्लंघन है जो एक लोकतांत्रिक समाज किसी भी धर्म को मानने वाले अपने प्रत्येक नागरिक को प्रदान करता है। लिहाजा बहुमत की निरंकुशता और उसके कारण मौलिक अधिकारों का हनन वह अहम कारण है जिसके चलते लोकतांत्रिक समाजों में राज्य और धर्म को अलग अलग रखना इतना महत्वपूर्ण माना जाता है। लोकतांत्रिक समाजों में धर्म को राज्य से अलग रखने का एक महत्वपूर्ण कारण है कि हमें लोगों के धार्मिक चुनाव के अधिकार की रक्षा करनी है। इसका अर्थ ये है कि देश के किसी भी व्यक्ति को एक धर्म से निकलने और दूसरे धर्म को अपनाने या धार्मिक उपदेशों की अलग ढंग से व्याख्या करने की स्वतंत्रता होती है। आइए इस बात को और अच्छी तरह समझने के लिए छू अछूत की प्रथा पर विचार करें। संभव है आपको हिंदुओं के बीच प्रचलित ये प्रथा अच्छी ना लगती हो। इसका मतलब है कि आप इसे बदलने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन अगर राज्य की सत्ता ऐसे हिंदुओं के हाथ में है जो छुआछूत को सही मानते हैं, तो क्या आप आसानी से इस प्रथा को बदल पाएंगे? अगर आप प्रभुत्वशाली धार्मिक समुदाय के सदस्य हैं, तो भी आपको अपने समुदाय के ही दूसरे लोगों की ओर से भारी विरोध का सामना करना पड़ सकता है। राज्य सत्ता पर नियंत्रण रखने वाले ऐसे सदस्य कहेंगे कि हिंदुत्व की केवल एक ही व्याख्या होती है और उसकी कोई और व्याख्या करने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। भारतीय धर्म निरपेक्षता क्या है? भारतीय संविधान में कहा गया है कि भारतीय राज्य धर्म निरपेक्ष रहेगा। हमारे संविधान के अनुसार केवल धर्म निरपेक्ष राज्य ही अपने उद्देश्यों को साकार करते हुए निम्नलिखित बातों का ख्याल रख सकता है कि कोई एक धार्मिक समुदाय किसी दूसरे धार्मिक समुदाय को ना दबाए, कुछ लोग अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों को ना दबाएं, और राज्य ना तो किसी खास धर्म को थोपेगा और ना ही लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता छीनेगा। इस तरह के दबदबे को रोकने के लिए भारतीय राज्य कई तरह से काम करता है। पहला तरीका ये है कि वह खुद को धर्म से दूर रखता है। भारतीय राज्य की बागडोर ना तो किसी एक धार्मिक समूह के हाथों में है और ना ही राज्य किसी एक धर्म को समर्थन देता है। भारत में कचहरी, थाने, सरकारी विद्यालय और दफ्तर जैसे सरकारी संस्थानों में किसी खास धर्म को प्रोत्साहन देने या उसका प्रदर्शन करने की अपेक्षा नहीं की जाती है। निम्न चित्र कथा। पट में स्कूल के भीतर किसी धार्मिक त्यौहार का आयोजन सभी धर्मों के साथ एक जैसा व्यवहार करने की सरकारी नीति के खिलाफ होता। सरकारी स्कूल अपनी प्रातःकालीन प्रार्थनाओं या धार्मिक आयोजनों के जरिए किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं दे सकते। ये नियम निजी स्कूलों पर लागू नहीं है। धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए भारतीय धर्म निरपेक्षता का दूसरा तरीका है अहस्तक्षेप की नीति। इसका मतलब है कि सभी धर्मों की भावनाओं का सम्मान करने और धार्मिक क्रियाकलापों में दखल ना देने के लिए राज्य कुछ खास धार्मिक समुदाय को कुछ विशेष छूट देता है। इस चित्रकथा पट में सिख युवक परमजीत को
हेलमेट पहनने की जरूरत नहीं है। कारण ये है कि भारतीय राज्य इस बात को मान्यता देता है कि पगड़ी पहनना सिख धर्म की प्रथाओं के मुताबिक महत्वपूर्ण है। लिहाजा इन धार्मिक आस्थाओं में दखलअंदाजी से बचने के लिए राज्य ने कानून में रियायत दे दी है। धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए भारतीय धर्मनिरपेक्षता का तीसरा तरीका हस्तक्षेप का तरीका है। इसी अध्याय में पीछे आप छुआछूत के बारे में पढ़ चुके हैं। यह इस बात का उपयुक्त उदाहरण है कि किस तरह एक ही धर्म के लोग, ऊंची जाति के हिंदू, अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों, कुछ निचली जातियों को दबाते हैं। धर्म के नाम पर अलग थलग करने और भेदभाव को रोकने के लिए भारतीय संविधान ने छुआछूत पर पाबंदी लगाई है। इस उदाहरण में राज्य धर्म के नाम पर अलग थलग करने और भेदभाव को बढ़ावा देने वाली उस प्रथा को खत्म करने के लिए धर्म में हस्तक्षेप कर रहा है जो निचली जातियों के लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन करता है, क्योंकि वे भी इसी देश के नागरिक हैं। इसी तरह माँ बाप की संपत्ति में बराबर हिस्से के अधिकार का सम्मान करने के लिए राज्य को समुदाय के धर्म पर आधारित निजी कानूनों में भी हस्तक्षेप करना पड़ सकता है। राज्य का हस्तक्षेप सहायता के रूप में भी हो सकता है। भारतीय संविधान धार्मिक समुदाय को अपने स्कूल और कॉलेज खोलने का अधिकार देता है। गैर प्राथमिकता आधार पर राज्य से उन्हें सीमित आर्थिक सहायता भी मिलती है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता दूसरे तांत्रिक देशों की धर्मनिरपेक्षता से किस तरह अलग है? ऊपर दिए गए तीनों उद्देश्य दुनिया के अन्य धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक देशों के संविधान में दिए गए उद्देश्यों से मिलते जुलते हैं। अमेरिका के संविधान में हुए पहले संविधान संशोधन के जरिए विधायिका को ऐसे कानून बनाने से रोक दिया गया है जो धार्मिक संस्थानों का पक्ष लेते हों या धार्मिक स्वतंत्रता को रोकते हों। इसका मतलब है कि विधायिका किसी भी धर्म को राजकीय धर्म घोषित नहीं कर सकती, ना ही विधायिका किसी एक धर्म को ज्यादा प्राथमिकता दे सकती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में राज्य और धर्म के पृथक्करण का मतलब है कि राज्य और धर्म दोनों ही एक दूसरे के मामलों में किसी तरह का दखल नहीं दे सकते। शायद आप समझ गए होंगे कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता और अमेरिका धर्मनिरपेक्षता के बीच एक अहम फर्क है। ऐसा इसलिए है कि अमेरिका की धर्मनिरपेक्षता में धर्म और राज्य के बीच स्पष्ट अलगाव के विपरीत भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य को धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने की छूट दी गई है। आप पढ़ चुके हैं कि किस तरह भारतीय संविधान ने छुआछूत को खत्म करने के लिए हिंदू धार्मिक क्रियाकलापों में हस्तक्षेप किया है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य धर्म से अलग तो है, लेकिन धर्म से उसका फासला सिद्धांतिक है। इसका मतलब ये है कि संविधान में दिए गए आदर्शों के आधार पर राज्य किसी भी धर्म के मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। यह आदर्श वह कसौटी मुहैया करती है जिसके जरिए इस बारे में फैसला लिया जा सकता है कि हमारा राज्य धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों के अनुरूप काम कर रहा है या नहीं। भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्ष हैं और धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए कई तरह से काम करता है। भारतीय संविधान अपने नागरिकों को मौलिक अधिकारों का आश्वासन देता है। ये मूलभूत अधिकार इन धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों पर आधारित हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि भारतीय समाज में इन अधिकारों का उल्लंघन बंद हो गया है, बल्कि वास्तव में ऐसे उल्लंघनों की वजह से ही हमारे सामने संवैधानिक व्यवस्था की जरूरत बनी हुई है। इस तरह के अधिकारों के होने का ज्ञान हमें इन अधिकारों के उल्लंघन के प्रति संवेदनशील बनाता है। जब कभी ऐसा होता है तो हमें इसके खिलाफ सही कदम उठाने की क्षमता भी उसी से मिलती है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न एक, धर्मनिरपेक्षता क्या है? प्रश्न दो,
लोकतांत्रिक समाजों में धर्म को राज्य से अलग रखने का एक क्या कारण है? प्रश्न 3, धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए भारतीय धर्म निरपेक्षता का दूसरा तरीका क्या है? प्रश्न 4, धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए भारतीय धर्म निरपेक्षता का तीसरा तरीका क्या है? प्रश्न 5, हमारे संविधान के अनुसार केवल धर्म निरपेक्ष राज्य ही अपने उद्देश्यों को साकार करने के लिए किन बातों का ख्याल रखा जाता है? ये हैं जवाब। तो बच्चों, ये था आज का पाठ। आशा करती हूँ कि आप सबको खूब आनंद आया होगा। आज की कक्षा यहीं समाप्त हुई। अगली कक्षा में मिलते हैं एक नए पाठ के साथ।